Hello children, in this video we will do two tags. First is font tag and second is base font tag. Okay, now what is font tag? Font tag hota kya hai, iska kya use hai? The font tag is used to change the appearance of the text by changing its style, साइज एंड कलर. सो फॉन्ट टैग की हेल्प से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं. फाइन, इट इज हैविंग थ्री एट्रीब्यूट्स. फॉन्ट टैग के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, फेस एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट एंड कलर एट्रीब्यूट. फाइन, सो विद द हेल्प ऑफ द फेस एट्रीब्यूट वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट विच इज एनक्लोज्ड इन बिटवीन द फॉन्ट टैग. मतलब जो टेक्स्ट फॉन्ट टैग के अंदर हमने एनक्लोज किया रखा है, फॉन्ट ओपनिंग एंड फॉन्ट क्लोजिंग के अंदर, क्योंकि फॉन्ट टैग क्या है, कंटेनर टैग है, तो ये अप्लाई कैसे होगा? आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उस टेक्स्ट को आपको फॉन्ट टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर, मतलब उसके बीच में रखना होगा. फाइन, तो यहाँ पे देखो ओके तो फेस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर फॉन्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज साइज. साइज एट्रीब्यूट की हेल्प से हम टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं. स्मॉलेस्ट साइज आपका 1 होता है, लार्जेस्ट आपका 7 है, एंड बाय डिफॉल्ट द फॉन्ट साइज इज 3. डिफॉल्ट साइज 3 मीन्स अगर आप कोई भी साइज नहीं देते हो, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का साइज क्या होगा, 3. देन कलर एट्रीब्यूट. कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से आप कलर स्पेसिफाई कर सकते हो टेक्स्ट का. फाइन, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एचटीएमएल टैग. ओके, स्टार्टिंग में अब हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे, हेड टैग. हेड टैग के अंदर क्या आएगा आपका, टाइटल, और टाइटल हमने दे दिया फॉन्ट टैग ट्यूटोरियल. फाइन, ये हमने टाइटल दे दिया. अब टाइटल टैग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है. क्लोज कैसे करते हैं, बैक स्लैश लगा के क्लोज करते हैं. फाइन, ऐसे ही हमने क्या किया, अब हम हेड को क्लोज करके बैक स्लैश लगाया एंड देन हेड. ओके, तो ये हमारा हेड, हेड इंफॉर्मेशन क्लोज हो चुकी है. फाइन, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को स्टार्ट करेंगे, बॉडी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द फॉन्ट टैग. अब आप क्या करोगे, फॉन्ट टैग दोगे, फॉन्ट. फाइन, और फॉन्ट के अंदर फेस, फेस मींस किस किस तरीके का फॉन्ट आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं. पहले टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, या हम यहां से कोई भी टेक्स्ट लेते हैं, जैसे हमने ये एक पर्टिकुलर वो ले लिया, टेक्स्ट को कॉपी कर लिया. ओके, ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, इसको कॉपी कर लिया. फाइन, ओके, अब इसका जो फेस हम चाहते हैं कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल हो वो क्या हो, उसके लिए आप कैसे करोगे, देखो आप जाओगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे क्लिक करो, यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करो, इट इज टेकिंग सम टाइम. ओके, आ गया. अब देखो इतने सारे फॉन्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स दे रखे हैं. फाइन, जैसे आपको कोई भी चाहिए, आपने क्लिक किया पर्टिकुलर पे, ओके पे क्लिक नहीं करना है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, ओके पे क्लिक नहीं करना है. जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए सिर्फ उस पे क्लिक करो और कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल सी कर दिया आपने, कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे आपने उसको पेस्ट कर दिया. ओके, ये आपका आ गया स्टाइल. स्टाइल दे दिया हमने, एक एट्रीब्यूट दे दिया, फॉन्ट, फॉन्ट फेस दे दिया, ठीक है. फॉन्ट फेस से आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, फॉन्ट स्पेसिफाई कर दिया कि जो हमने ये टेक्स्ट लिया है उसका फॉन्ट क्या होगा. अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट भी अप्लाई कर देते हैं, हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है साइज. फाइन, जो जिसमें 1 स्मॉल है और 7 लार्जेस्ट है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं. ओके, एंड देन हमारा आता है कलर. कलर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर हो रेड, रेड. फाइन, ओके, इस टेक्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग के अंदर डालना पड़ेगा. तो क्या है, फॉन्ट स्टार्टिंग, ये आपका फॉन्ट स्टार्टिंग है. फाइन, और फॉन्ट एंडिंग, दिस इज योर फॉन्ट एंडिंग. फाइन, तो आपने
इसको क्या इसको एनक्लोज कर दिया फॉन्ट स्टार्टिंग टैग के बीच में और एंडिंग टैग के बीच में। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को, बॉडी को क्लोज करेंगे क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग है। अगेन हम HTML को क्लोज कर देंगे, ये भी हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। ओके, नाउ यू हैव टू सेव योर फाइल। कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हो, यहाँ पे फाइल में जाके सेव एस करके भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसका, मैंने इसका नेम दे दिया फॉन्ट डॉट HTML। फाइन, हमेशा याद रखना है कि HTML एक्सटेंशन जरूर दे दें। ओके, एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन। राइट नाउ अब यहाँ पे आप, ये आपकी फाइल है, राइट क्लिक करेंगे एंड देन ओपन विद जो भी एक्सप्लोरर आपके पास है। जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लिया यहाँ पर। अब आप देख सकते हो जो आपने फॉन्ट फेस दिया था, ठीक है, साइज दिया था और कलर दिया था, उसमें आपका टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। फाइन, नाउ वी हैव बेस फॉन्ट टैग। ठीक है, तो बेस फॉन्ट टैग का क्या यूज है, बेस फॉन्ट टैग अलाउज अस टू सेट डिफॉल्ट फॉन्ट प्रॉपर्टीज फॉर द एंटायर वेब पेज व्हेन नो अदर फॉन्ट सेटिंग्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन द पेज, इट इज एन एम्प्टी टैग। तो ये क्या कह रहा है कि बेस फॉन्ट टैग क्या करता है, अगर आपने फॉन्ट टैग नहीं अप्लाई किया है अपने वेब पेज पर, तो बेस फॉन्ट टैग से आप पूरे कंप्लीट वेब पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, एक एम्प्टी टैग है। फाइन, ओके, तो बेस फॉन्ट क्या है, जहां जहां पे फॉन्ट टैग नहीं अप्लाई हुआ है, बाकी के बचे हुए टेक्स्ट पे किसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, बेस फॉन्ट की सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फाइन, ओके, तो बेस फॉन्ट के भी आपके पास थ्री एट्रीब्यूट्स हैं। फेस, आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, अगेन आप साइज चेंज कर सकते हो एंड कलर चेंज कर सकते हो। राइट, ओके, और ये आप जहां जहां पे फॉन्ट टैग अप्लाई नहीं दिया है, वहां पे बेस फॉन्ट की सेटिंग्स अपने आप जाके अप्लाई हो जाएंगे। फाइन, आप इसको प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। राइट, अब यहां पर हम बेस फॉन्ट टैग अप्लाई करते हैं, बेस फॉन्ट फेस, फेस वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट पर जो भी आपको चाहिए, मान लो मुझे चाहिए, राइट, ये फॉन्ट स्टाइल चाहिए, सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। ओके, नहीं करना है। राइट, अब इसको यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। फॉन्ट फेस, साइज, साइज आप ले लो, साइज आपने लिया थ्री, स्मॉल साइज लेते हैं, एंड देन कलर ब्लू। फाइन, ओके, अब हम टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट ले लिया हमने यहां से इतना टेक्स्ट, कंट्रोल सी, और इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल ये इतना टेक्स्ट ले लिया, और टेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, वन मोर लाइन इतना ले लेते, चलो फाइन। अब देखो ऊपर जो टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे मैं बी आर टैग लगा देती हूँ, बी आर इज फॉर ब्रेकिंग द लाइन। ठीक है, ब्रेक रूल होती है, इससे क्या होता है, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अब यहाँ पे भी मैं बी आर टैग लगा देती हूँ। अब आपको क्या समझना है कि जो ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, ये फॉन्ट के अंदर है, राइट, ओके, एंड जो बाहर जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो फॉन्ट के अंदर नहीं है। फाइन, तो ये आपको देखना है, बाहर कोई फॉन्ट नहीं दिया हुआ है, सिंपली मैंने बेस फॉन्ट अप्लाई कर दिया है। फाइन, ओके, तो हमने बेस फॉन्ट को अप्लाई कर दिया है। ओके, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो जो भी बेस फॉन्ट क्या है, एम्प्टी टैग है, आपको इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली
समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग उसको क्लोज करते भी हैं, बट ऐसा जिसकी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज एन एम्प्टी टैग। अब जहां जहां पे फॉन्ट टैग अप्लाई नहीं हुआ है वहां वहां बेस फॉन्ट की सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे जहां पे फॉन्ट टैग अप्लाई किया था वहां पे उसकी सेटिंग है, फाइन, और जहां जहां नहीं अप्लाई हुआ वहां पे हमारी बेस फॉन्ट की सेटिंग आ गई है। ओके, साइज 3 आया है, स्मॉल साइज आया है, ब्लू कलर आया है, ओके, और जो हमने फॉन्ट स्टाइल लिया है वो फॉन्ट स्टाइल आया है, फाइन, ओके, ओके, सो हियर वी हैव डन फॉन्ट टैग एंड बेस फॉन्ट टैग, राइट। फॉन्ट टैग के आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स है, फेस, साइज एंड कलर। सेम हमारे पास बेस फॉन्ट के भी 3 एट्रीब्यूट है, फेस, साइज एंड कलर। डिफरेंस क्या है, फॉन्ट टैग एक कंटेनर टैग है, जो भी टैग्स आप इसके अंदर, मतलब फॉन्ट टैग के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आप लिखोगे, ओके, टाइप करोगे, उसकी ही फॉर्मेटिंग होगी। जबकि बेस फॉन्ट क्या है, एक एम्प्टी टैग है, और ये क्या करता है, पूरे पेज पर अप्लाई होता है। जहां जहां फॉन्ट फेस नहीं दिया है वहां वहां बेस फॉन्ट की सेटिंग आ जाती है। और अगर आप चाहते हो पूरे पेज पर बेस फॉन्ट की सेटिंग आए तो आप बेस फॉन्ट एक बार स्पेसिफाई कर दो उसके एट्रीब्यूट्स, और वो पूरे के जो पूरा वेब पेज है उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। ओके,